जोहार झारखंड, जय झारखंड। सभी सीटों की लगभग लगभग घोषणा हो चुकी है, आज रात या कल सुबह तक। बाकी जो सीटें बची हैं, जिनमें धनबाद की झरिया, निरसा, बोकारो की गोमिया, बैरमो, चंदन क्यारी और रामगढ़ से हजारीबाग की संयुक्त सीट मांडू की घोषणा हो जाएगी। इसके अलावा एक आध सीटें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चूंकि गोमिया लोकसभा में हम लोग का विनिंग सीट रहा है, 70,000 ने दोनों प्रत्याशियों से ज़्यादा गोमिया से वोट मिला है। मांडू में भी बिना हमारी उपस्थिति के, 2 सालों के संघर्ष के ही दौरान जो फील्ड बना था, जो फीडबैक बना था, उसी के आधार पर ही 50,000 से ज़्यादा वोट। चंदन क्यारी में हमारे प्रत्याशी के अपने साथियों के द्वारा लगातार नाराजगी और असहमति के बाद भी 36,000 से 40,000 का वोट, यानी तीनों सीटें हमारे पार्टी का भविष्य, तीनों सीटें हमारे पार्टी का वर्तमान। तो अभी तक हम लोगों ने बैलेंस से जितना प्रयास किया, हालांकि कुछ शिकायतें लाजमी हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लाजमी हैं, और उसे एक मानव होने के नाते मानवीय भूल मानकर उसे स्वीकार करने में परहेज नहीं है। लेकिन वक्त काफ़ी कम है, वक्त 30 दिन का है। और जैसा कि देखिए, हम लोगों ने रामगढ़ में बेरोजगार पनेश्वर जी को प्रत्याशी बनाया, पूरे राज्य ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन रामगढ़ के ही कुछ साथी असहमति दर्ज कराए। देखिए अभी कमेंट में हमारे एसएमआरटी सैम्स भाई का आ रहा है कि रामगढ़ को चेंज कीजिए। सबसे पहली बात, एक बात कहना चाहेंगे कि आखिर किसको? इसीलिए पनेसर जी आंदोलन के साथी हैं। सबसे पहले आंदोलन में रामगढ़ जिला से कोई शख्स निकला था तो शख्स का नाम पनेश्वर है, अतः आप उन्हें स्वीकार करें, उनके लिए मेहनत करें, और क्योंकि हर एक जगह पर जयराम महतो फाइट नहीं करेंगे, एक कड़वी सच्चाई स्वीकार कीजिए एसएमआरटी भाई कि हर एक जगह जयराम महतो नहीं चुनाव को लड़ेंगे, अतः जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें स्वीकार करें। देखिए सुदामा जी, गोपेश दा हमारे भविष्य हैं और पार्टी ने जो निर्णय लिया है, कृपया करके उस निर्णय का स्वीकार करें। 2024 ही आखिरी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए बागमारा में भी जो निर्णय लिया गया है, मुजाहिद दा बहुत सुंदर तरीके से और लगभग कई फीडबैक के बाद लिया गया है, इसलिए फिलहाल हम चाहेंगे कि जो भी हमारा गोमिया, मांडू और चंदन क्यारी की सीटें हैं, हम ये कहना चाहेंगे विशेषकर जिला अध्यक्ष से कि आप तमाम प्रत्याशियों को टेलीफोन कर लें और अपने जिला की 5 सदस्य टीम, अगर महिला मोर्चा की दीदी लोग आज मैंने उपस्थित हो पाती, जो कि रात का समय हो जाएगा तो बेहतर है, और एक बार आप लोग रायशुमारी करें। अंतिम अवसर प्रत्याशियों पर हम लोग छोड़ रहे हैं, प्रत्याशियों के ऊपर हम लोग अंतिम अवसर छोड़ रहे हैं। प्रत्याशीगण बैठकर जल्द से जल्द निर्णय स्वयं लें। जो भी प्रत्याशी आवेदन दिए हैं, मैं जिला अध्यक्ष महोदय इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर जिन 3 विधानसभाओं का जिक्र किया गया है, मांडू, गोमिया और चंदन क्यारी, आप लोग कृपया करके बैठें, डिस्कस करें और एक बार बेहतर निष्कर्ष के साथ नामों की सूचना को पहुँचाने का कष्ट करें। एक बार हम लोग अवसर देते हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा आशा करते हैं आप लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार, चूंकि अभी 5 बज रहा है और हमें लगता है कि आप अपने जिले में अगर बैठक करेंगे तो 2 घंटा में मीटिंग अरेंज हो जाएगा 7 से 8 बजे के बीच, और कोशिश कीजिएगा समर्थक नहीं आएंगे। जो भी प्रत्याशी अगर अपना समर्थक लेकर आते हैं तो उन्हें आप माइनस मार्किंग करेंगे, क्योंकि समर्थक नहीं, केवल प्रत्याशी आएंगे और केवल जिला के पदाधिकारी रहेंगे और तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष। इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह होगी, मिकेलदा आप अपनी पार्टी पर ध्यान दें, आपसे नम्र निवेदन है, हमें मालूम है कि आप किस राजनीतिक दल से हैं, अतः हमारे राजनीतिक में दल में झांकने से बेहतर होगा आप अपने राजनीतिक दल को मजबूत करें। विधानसभा का चुनाव सामने है, मात्र 30 दिन का समय है, तो इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह होगा कि एक बार पुनः आप लोग रायशुमारी करें, चूंकि हम लोग नया राजनीतिक दल हैं और देख ही रहे हैं क्या हाल है। बाकी सबको जोहार रहेगा। नीलदा बिल्कुल आप भी अपने प्रत्याशी पर ध्यान दें, आपसे आग्रह होगा। विराट जी, अगर आप खिजरी के लिए संभव है तो आप भी खिजरी के लिए कॉल करें, अभी हम लोग उसके लिए वेट करेंगे। खिजरी के लिए आप लोग कॉल करें विराट जी और एक बेहतर समीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। धन्यवाद।